Today I shall be talking about SANIC schools. These are English medium residential schools which are affiliated to CBSE. अभी इंडिया में टोटल 34 सैनिक स्कूल्स हैं और इस साल की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि 100 और नए सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। हालांकि इस पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ नवोदय स्कूल्स को ही सैनिक स्कूल्स में कन्वर्ट कर रही है एंड दिस हैज रेज्ड सर्टेन कंसर्न्स लाइक अगर किसी नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया जाता है तो हो सकता है कि जो रूरल रिमोट एरियाज से बच्चे हैं नवोदय विद्यालय में या अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज से बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन्हें नुकसान हो क्योंकि नवोदय स्कूल्स में कोई फीस नहीं होती है। अगर कोई फीस है भी किसी के लिए तो वो ना के बराबर है। वहीं सैनिक स्कूल्स में अच्छी खासी फीस होती है। इट इज समवेयर अराउंड 1,50,000 पर एनम। But I will not further comment on this subject, one because I do not have confirmed information on this. Second, the purpose of this video is to share information about SANIC schools only. सबसे पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला गया था and this school has been under the control of UP state government. इस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी सैनिक स्कूल्स से अलग है। हालांकि यहाँ भी प्रिंसिपल हेडमास्टर और रजिस्ट्रार डिफेंस ऑफिसर्स ही होते हैं उसी तरीके से जैसे कि बाकी सभी सैनिक स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार के पोस्ट पर डिफेंस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। ये जो लखनऊ का सैनिक स्कूल है 1960 में खोला गया था। उसके बाद 1961 से जितने भी सैनिक स्कूल्स शुरू किए गए वो सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी मैनेज करती है एंड दिस सोसाइटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सभी सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है एंड दिस एजेंसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर किसी को अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना है तो दो वेबसाइट्स चेक करते रहनी होगी, एक तो उस कंसर्न स्कूल की वेबसाइट और दूसरी एनटीए की वेबसाइट। एप्लीकेशन सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो अभी कम्प्लीटली ऑनलाइन है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसमें किसी भी तरह का चेंज अलाउ नहीं किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि जो भी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो एक्यूरेट हों और साथ में करेक्ट ईमेल आईडी और फोन नंबर भी शेयर किया जाए क्योंकि अथॉरिटीज की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो एसएमएस और ईमेल के थ्रू ही होगा। सैनिक स्कूल्स में पहले सिर्फ बॉयज पढ़ते थे लेकिन अब क्लास 6 में गर्ल्स को भी अलाउ किया जाने लगा है। एडमिशन या तो क्लास 6 में होता है या क्लास 9 में। क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच और क्लास 9 के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 13 से 15 साल के बीच। क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इनमें से किसी को भी मीडियम की तरह चूज किया जा सकता है, लेकिन क्लास 9 का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होता है। इन एग्जाम्स में कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट इसके बाद तैयार होती है। सैनिक स्कूल्स का मेन पर्पस है बच्चों को इस तरीके से तैयार करना कि वो आगे जाकर के डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स बन सकें। इन स्कूल्स का दूसरा पर्पस है सभी राज्यों से बच्चों को तैयार करना ताकि फौज में भी सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। इसीलिए जो स्कूल जिस स्टेट में है उस स्कूल में 67% सीट्स उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल बच्चों के लिए रिजर्वड है, बाकी 33% सीट्स पर दूसरे स्टेट्स के बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इन स्कूल्स में एससी एसटी कैटेगरी और डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। सैनिक स्कूल्स में एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज पर काफी जोर दिया जाता है। हियर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज द गोल इज ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज। My husband did his initial schooling from Chittorgarh Sainik School. Rajasthan में चित्तौड़ के अलावा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी सैनिक स्कूल है। स्टेट वाइज सैनिक स्कूल्स कहाँ कहाँ है इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सैनिक स्कूल्स राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और आर्मी पब्लिक स्कूल्स से अलग हैं।
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पर मैं दो वीडियोस बना चुकी हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई विल सून मेक अ वीडियो ऑन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।